अस्सलाम वालेकुम। जापान का एक बहुत खूबसूरत और नया शहर न्यू सिटी थाकामत्स, इसको मैरीन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बेशुमार पोर्ट्स हैं जहाँ से ये जिस जगह पे वाकया है शहर, इसके इर्द गिर्द बहुत से आइलैंड हैं और काफ़ी आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा आबादी भी है और यहाँ से फेरीज के जरिए ट्रैवल किया जाता है। यहाँ पे एक होटल में नाइट स्टे किया जहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है इनका वो कम्प्लीमेंट्री था। ऑप्शन थी कि होटल में ब्रेकफास्ट कर लें या ये लोग वॉचर्स देते हैं यहाँ की मशहूर बेकरी, वहाँ पे जाके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये है वो बेकरी लिटिल मामेड और यहाँ या यहाँ की बहुत मशहूर बेकरी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड्स यहाँ पे ये बेक करते हैं और बड़ी ही मज़ेदार। यहाँ का नाश्ता विद कॉफ़ी, ब्रेड विद कॉफ़ी, बड़ा इंजॉयबल और बड़ा मज़ेदार था। ये यहाँ पे ये थाकामत्स का सिटी का रेलवे स्टेशन नया ही बना है। नया मीन के सिटी तो ये बहुत पुराना है, ये आयरलैंड हज़ारों साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, लेकिन ये मैरीन सिटी नया बनाया है इन्होंने और हर जगह यही नज़र आता है जैसे ये नई बनी। बहुत सारे पोर्ट्स में से एक पोर्ट है जहाँ पे फेरी हमको दूसरे वो सामने एक आइलैंड पर लेकर जाएगी, हमारी गाड़ी भी इसमें लोड होगी। फेरी है रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो, क्योंकि छोटे से शिमे आइलैंड पे से जाना है और ये इसकी सिटिंग कमाल की सिटिंग है। यहाँ पे फैमिलीज के लिए भी अलग से टेबल्स सेट है, यहाँ पे बैठ सकती हैं, अलग से इंडिविजुअल सिटिंग भी है आगे से लेके पीछे तक। मेरा ख्याल है इसमें कोई 100 से ऊपर की अरेंजमेंट है, बल्कि ज़्यादा ही हो। टेलीविजन्स की स्क्रीनें और टक शॉप्स, यहाँ पे शॉपिंग, छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें, ज़बरदस्त माहौल बनाया। ये क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल होती है और तफरी की गरज भी है लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा, इसलिए इन्होंने सोने का बंदोबस्त भी किया है यहाँ पर। ये उसका टेरेस है ऊपर छत, जहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा।
घंटे के सफ़र के बाद ये दूसरे आइलैंड शोदोशिमा, इस आइलैंड का नाम है, वहाँ पे अप्रोच। यहाँ पे जिस भी शहर में जाओ, इन्होंने हर जगह कोई ना कोई मनोरंजन बना के रखा है। ये केबल कार जो पहाड़ की सीमे पे, इस आयरलैंड पे पहाड़ की चोटी तक ले जाती है, और यहाँ पे इन्होंने एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बनाया है, जो यहाँ पे आके लोग खाना खाना चाहें, छोटी मोटी शॉपिंग करना चाहें। बहुत अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पे। बस हमारे लिए यही था एक अट्रैक्शन, बाकी तो लोग यहाँ पे रहते हैं वो उनके लिए है। हमारी फेरी आ चुकी थी और इस फेरी पे हमने वापस थकामत के लिए सफ़र करना है। ये था एक वन डे ट्रिप थकामत शहर से शोदोशिमा, शोदो आइलैंड।